दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन एंड स्नो मेकिंग मशीन की लाइव वीडियो बना रहे हैं। इसके लिए हमारे यहाँ कस्टमर आज स्पेशली आए, दिल्ली से कस्टमर आए, तो हम उनको लाइव डेमो मशीन का बताएंगे, कैसे मशीन ऑपरेट करनी है, कैसे चलानी है, मशीन में से क्या क्वालिटी बनता है, क्या क्या फंक्शन है। तो हमारे सर नोएडा से स्पेशली आज गुजरात भावनगर फैक्ट्री पे विजिट किए, तो हम सर को आज पूरी मशीन की लाइव डेमो देंगे कि मशीन में से कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे मटेरियल बनाया जाता है, कैसे फिलअप किया जाता है और कितने टाइमिंग के अंदर आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। तो लाइव वीडियो के अंदर हम बताने वाले, तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहिए इसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन एंड स्नो मेकिंग मशीन की लाइव वीडियो बना रहे हैं। इसके लिए हमारे यहाँ कस्टमर आज स्पेशली आए, दिल्ली से कस्टमर आए, तो हम उनको लाइव डेमो मशीन का बताएंगे, कैसे मशीन ऑपरेट करनी है, कैसे चलानी है, मशीन में से क्या क्वालिटी बनता है, क्या क्या फंक्शन है। हेलो सर, क्या नाम है सर? अमरदीप जी। कहाँ से है सर? नोएडा से। अच्छा, तो सबको सर हमारी रेफरेंस कहाँ से मिला सर? मेरे को यूट्यूब से मिला। यूट्यूब में वीडियो देखा होगा आपने। हाँ जी। तो आज स्पेशली आप फैक्ट्री विजिट के लिए आए। हाँ जी। और कौन सी मशीन की रिक्वायरमेंट है सर आपको? अभी तो सॉफ्टी मशीन और स्नो मेकिंग स्लश मशीन की, इसका डेमो देखने के लिए आया सर। तो हमारे सर नोएडा से स्पेशली आज गुजरात भावनगर फैक्ट्री पे विजिट किए, तो हम सर को आज पूरी मशीन की लाइव डेमो देंगे कि मशीन में से कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे मटेरियल बनाया जाता है, कैसे फिलअप किया जाता है और कितने टाइमिंग के अंदर आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। तो लाइव वीडियो के अंदर हम बताने वाले, तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हमने इसको आइसक्रीम पाउडर है, हमारे कस्टमर को हमने दिखाया है, वेनिला का पाउडर है जो आइसक्रीम पाउडर बनाया जाता है। इसमें सब अलग अलग फ्लेवर्स के पाउडर अवेलेबल रहते हैं। इसमें 4 लीटर मिल्क में 1 किलो पाउडर डालना रहता है आपको। इसलिए सबसे पहले अभी हमने आधा पैकेट बना रहे हैं इसका, इसलिए 2 लीटर मिल्क हमने यूज डाल दिया इसके अंदर और नाप के हिसाब से हम 500 ग्राम पाउडर इसमें डाल देंगे। ये 500 ग्राम पाउडर हम इसमें फिलअप कर देंगे। ऑलरेडी 2 लीटर तो मिल्क हमने डाल दिया इसमें। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडर है जो मशीन के साथ फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। ये ब्लेंडर से आपको अच्छे से मेल्ट कर देना है इसको। मिक्स हो चुका है प्रॉपरली, इतना ही आपको करना है। पाउडर मिल्क को ऐसे मिक्स कर देना और सीधा मशीन के टैंक में इसे फिलअप कर देना है। फिलअप कर दिया है। थोड़ा यहाँ पे वॉश का बटन दबा के लाइन में ले लेंगे मटेरियल को। लाइन में आ चुका है। कवर लगा देंगे। अभी नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे फ्रीजिंग का है, इससे आइसक्रीम जमना स्टार्ट हो जाएगा। ये मशीन में से अपने फ्रीज दबा देना है, इसलिए आइसक्रीम जमना स्टार्ट हो जाएगा। कितना टेम्परेचर डिग्री है? 57 का टेम्परेचर अभी यहाँ पे, जहाँ पे आइसक्रीम जम रहा है यहाँ पे 56 का 57 का टेम्परेचर है। 55% आइसक्रीम तैयार है। ये जब आइसक्रीम तैयार हो जाएगा 100% बन के यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और एक कौन बन के पूरा तैयार हो जाएगा। दिन में पहली बार जब आप मटेरियल डालते हो इसलिए 10 से 15 मिनट का समय लेते हैं। मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट तक आपको इसको टाइम देना है। एक बार आइसक्रीम बन जाएगा मशीन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग आप डिज़ाइन लगा सकते हो, उसका शेप का जो डिज़ाइन रहता है इसका डिज़ाइन है, इसको ऐसे आसानी से पूरा ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे करके दूसरा डिज़ाइन आपको फिट करना है तो ऐसे फिट कर सकते हो, लॉक करके ऐसे फिट हो जाएगा। ये भी जमने के लिए प्रोसेस में रखते हैं, 15 मिनट के बाद तैयार हो जाएगा अपना आइसक्रीम। उतनी देर में हमारा जो यहाँ पर स्नो मेकिंग मशीन है, इसमें हम मटेरियल डाल देंगे। इसमें अलग अलग फ्लेवर आता है, इंस्टेंट मिक्स यूज़ करना है तो हमारा इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी इससे और सस्ता सेल करना है आपको तो हमारे पास दूसरा रेसिपी है, उससे आप होम मेड घर पर फ्लेवर बना के सेल कर सकते हो। ये फ्लेवर एक कप बनाने का खर्चा है अराउंडली आपको 6 से 7 रुपये में गिरेगा 200 ml, अगर ये मटेरियल यूज़ करते हो तो। और होम मेड मटेरियल यूज़ करते हो तो 2 रुपये का एक कप पड़ेगा, लेकिन वो घर पे आपको शक्कर लेके पानी लेके उसको मेक करना पड़ेगा वो मटेरियल को। अभी हम इसको इंस्टेंट में बनाएंगे। यहाँ से मटेरियल मशीन को स्टार्ट कर देंगे। इसको टेम्परेचर 0 नंबर पे, 0 नंबर मतलब कि ओनली ठंडा शरबत ही निकालेगी मशीन। इसको स्लश बनाना है तो 1 नंबर करेंगे तो हल्का सा स्लश बनेगा 1 नंबर पे। जितना हार्ड स्लश बनाना है उतना नंबर आपको प्लस करते जाना है। अभी हम इसको 6 नंबर के ऊपर स्लश बनाएंगे।
इसको भी आपको फर्स्ट टाइम 10 से 12 मिनट का समय देना है दिन में, एक बार 10 मिनट में जम जाएगा स्लस, उसके बाद आप कंटिन्यू बिजनेस कर सकते हो उसमें। अराउंडली 10 से 12 मिनट में तैयार होने के बाद हम फिर कस्टमर को, हमारे यहाँ जो कस्टमर है उनको लाइव मशीन में से आइसक्रीम निकाल के टेस्ट करवा के बताएंगे कि उनको क्या टेस्ट लगा, मशीन के क्या फंक्शन लगे। ये अभी आइसक्रीम बनके रेडी हो चुका है और यहाँ पे जो स्लस का फ्लेवर है इसमें भी ऑलरेडी स्नो बन चुका है। यहाँ पे अराउंडली 15 से 17 मिनट का समय हुआ है और दोनों प्रोडक्ट तैयार हो चुका है और यहाँ पे पूरी मशीन ऑलरेडी साइलेंट है। ये कट हो चुकी है सर मशीन? हाँ जी अभी साइलेंट है। हाँ जी ये चल रही है मशीन अभी बंद है, पूरी साइलेंट है ना, पावर सेवर मोड पे। ये पूरी मशीन अभी पावर सेवर मोड पे है, जीरो पावर इक्विपमेंट कर रही है। अभी हम हमारे कस्टमर इनको थोड़ा आइसक्रीम निकाल के बताएंगे और टेस्ट करवाएंगे। यहाँ पे कौन पड़ा है हमारे पास, इसमें आइसक्रीम निकालेंगे यहाँ से। लीजिए सर टेस्ट कीजिए। जैसा है सर टेस्ट? बढ़िया सर। अच्छा है, कौन सा फ्लेवर है सर? वनीला। वनीला का है और ये एकदम स्मूथ और क्रीमी या क्रिस्टल आ रहा है इसमें, जो बर्फ के दाने कचकच होता है ऐसा कुछ आ रहा है इसमें? नहीं नहीं एकदम सॉफ्ट है। अच्छा और मशीन का फंक्शन कैसा लगा सर? आसान यूज इसे, कोई हार्ड वर्क है या कोई भी नया आदमी चला सकता है इसको? समझ लेगा एक बार तो चला सकता है। एक बार समझ लेगा तो चला सकता है, कोई ट्रेनिंग का जरूरत है इसमें? नहीं। कोई नहीं है ना जरूरत। आप देख सकते हैं लाइव डेमोस्ट्रेशन हमने हमारे कस्टमर को दिया है, पूरा ऑपरेट करके बताया है। अभी हमारे पास दूसरा स्लश है, इनका भी हम प्रोडक्ट निकाल के बताएंगे। यहाँ पे ब्लूबेरी का फ्लेवर डाला हुआ है हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कैसा है सर टेस्ट? बढ़िया। अच्छा है और एकदम रुई जैसा बर्फ है, कैसा है बर्फ का क्वालिटी कैसा है? बढ़िया। जैसे गोला बाजार में खाते और इसमें फर्क है दोनों में, तरह कुछ? ये मुंह में घुल जाता है, ये घुल जाता है पूरा, एकदम सॉफ्ट बर्फ है। और कौन सा फ्लेवर है सर? ब्लूबेरी का है। ब्लूबेरी है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों मशीन की लाइव डेमोस्ट्रेशन हमारे यहाँ कस्टमर आए, इनको दोनों मशीन ऑपरेट करके चला के कैसे यूज होती है, कैसे ऑपरेट की जाती है, कैसे मशीन में से प्रोडक्ट निकाला जाता है, हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन हमारे कस्टमर को दी है। तो इस तरह की मशीन की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। थैंक यू सर विजिट के लिए, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।